सो बेसिकली कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, दीवारें टूट रही है, दीवारें बन रही है। आफ्टर दैट फ्रेम्स बनने शुरू हो गए, बिकॉज जो भी हम लोग स्टफ करेंगे साउंड प्रूफिंग के लिए मटेरियल, उसके लिए हमें फ्रेमवर्क चाहिए। सो बेसिकली दिस इज द वेटिंग एरिया जहाँ पे जो भी गेस्ट आएंगे वो इंतजार कर सकते हैं। ये है हमारा कंट्रोल रूम जिसमें मेजरली जो भी पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो होगा। एंड फाइनली ये जो हमारी स्पेशियस जगह है ये होगी रिकॉर्डिंग के लिए। जब भी हम लोग साउंड प्रूफिंग मटेरियल डालते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है। सो बेसिकली हम लोगों ने वुडन फ्रेम्स की बजाय GI सेक्शंस बनवाए, विच इज बेसिकली गैल्वेनाइज्ड आयरन, क्योंकि ये काफी ज्यादा फास्ट होता है इंस्टॉल करने में एंड सबसे इम्पोर्टेंटली काफी ज्यादा लाइट वेट होता है। उसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा वुड ऊपर से लगा दी गई है। वुड सिर्फ उन्हीं जगहों पे लगाई गई है जहाँ पे हम लोग ग्रिपर लगाएंगे अकूस्टिक फैब्रिक के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो पतली ब्लैक लाइन आपको दिख रही है बेसिकली ये ग्रिपर्स हैं। सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ रॉक वूल, ग्लास वूल, हम लोगों ने पॉलिएस्टर फाइबर का यूज किया है फॉर द सिंपल रीजन कि ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है लगाने में, बिल्कुल इची नहीं फील होता आंखों में। बिकॉज मेरे पिछले स्टूडियो में रॉक वूल इंस्टॉल्ड थी एंड ट्रस्ट मी 6 महीने के बाद भी कहीं ना कहीं मेरी आंखों में इचीनेस होती थी, आंखों में वो चुभती थी। सो पॉलिएस्टर फाइबर के साथ कोई भी दिक्कत नहीं हुई मेरे को, प्लस इंसुलेशन वाइज भी इट्स प्रीटी गुड। तो ये जो फैब्रिक है ये किसके लिए आए हैं, क्या काम है इनका, वो अभी आप लोगों को पता ही चल जाएगा। सो फाइनली अकूस्टिक बोर्ड्स लगाने का टाइम आ गया। अकूस्टिक बोर्ड्स बस थोड़े से सपोर्ट के लिए हम लोग लगाते हैं ताकि कहीं ना कहीं हमारी जो वॉल्स हैं वो प्लेन लगे। एंड ये जो प्लाईबोर्ड आप लोग बीच बीच में देख रहे हैं या MDF बोर्ड देख रहे हैं ये हमने उन जगहों पे लगाया है जहाँ पे हमारे स्विच बोर्ड्स है, जहाँ पे AC लगेगा, जहाँ पे TV लगेगा या जहाँ पे कोई भी वॉल हैंगिंग्स लगेंगी वहाँ पे थोड़ा सा सॉलिड बेस देगा। एंड फाइनली डिजाइन की बारी आ गई, एस्थेटिक्स की बारी आ गई। सो एक बार सारा फैब्रिक लग गया, सारा फैब्रिक इंस्टॉल हो गया, उसके बाद जो हमारी मेन थीम है जो कि पियानो की थीम हम लोगों ने डिसाइड की थी उस पे काम शुरू हो गया। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा मेन डिजाइन है जो हमारी पियानो थीम थी। दिस इज आर कंट्रोल रूम। सारी पैचिंग हो चुकी है, केबल वर्क हो चुका है। मोस्टली हमारी जो केबल्स है वो दीवार के अंदर से ट्रेवल कर रही है कंट्रोल रूम से रिकॉर्डिंग रूम तक। क्या बात है। सो बेसिकली वो फैब्रिक यूज होना शुरू हो गया है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि वो जो ब्लू के शेड्स हैं कितने ज्यादा रिफ्रेशिंग लग रहे हैं। एंड फाइनली द डिजाइन इज टेकिंग शेप। सो बेसिकली वो अकूस्टिक फैब्रिक है, अगेन पोरस फैब्रिक है, यानी कहीं ना कहीं वो साउंड को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। और वो जो लाल रंग के पैनल्स हैं ये मेरे पिछले स्टूडियो से मैंने लिए थे जिनको मैंने अपने बेडरूम में लगाया है कपड़े को चेंज करके। आफ्टर दैट फ्लोरिंग का काम शुरू हो गया। सिंपल हमारी जो कारपेट टाइल्स है हम लोगों ने उनको अप्लाई किया है। आप लोग इवन अकूस्टिक अंडरले लगा सकते हैं ग्राउंड में, जो कि मैंने यहाँ पे प्रेफर नहीं की बिकॉज एज सच मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी, प्लस उससे बजट भी काफी ज्यादा सेव होता है। एंड फाइनली जो भी हमारा शैंडेलियर है, जो फाइनल लाइट फिक्स्चर्स है, जो भी हमारा फर्नीचर है वो सारा अब शिफ्ट किया गया यहाँ पे। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये मेरी कस्टम डेस्क है जिसको मैंने स्पेशली डिजाइन करवाया था फ्यूचर को माइंड में रखते हुए कि जो भी मैं फ्यूचर में हार्डवेयर्स लूंगा, कंसोल्स लूंगा, उनकी स्पेस मेरे को मिल जाए प्रॉपर। और ये कुछ टेक्सचर पेंट है हमारे वेटिंग एरिया का। एंड डे लाइट में हमारा जो स्टूडियो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। उसके अलावा ये जो विंडो है ये कंट्रोल रूम रिकॉर्डिंग रूम के बीच में है, इसका जो ग्लास है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे लगा हुआ है।
एज यू कैन सी हमारी जो सीलिंग है वो भी एंगल पे है, वो भी एंगल्ड है। उसका भी कहीं ना कहीं रीजन ये है ताकि हमारी ग्राउंड और सीलिंग जो है वो स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट ना करे। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि मुझे स्टूडियो में सनलाइट चाहिए थी, तो व्हाट आई डिड वाज, हमारा जो बालकनी का गेट है वहाँ पे हम लोगों ने डीजीओ ग्लास लगवाया हुआ है, जिसमें दो ग्लासेस होते हैं, बीच में कुछ कैप होता है जिसके अंदर आर्गन गैस फिल्ड होती है साउंड प्रूफिंग के लिए।